खुशामदीद नाजरीन, हैदराबाद अपडेट्स में आप सभी का खैर मकदम है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट के दायरे अख्तियार के तहत वाक़े किशन बाग में गुंडा अनासिर के हौसले बुलंद, जहां एक फैमिली पर दिन दहाड़े हथियार से एक नशेड़ी ने किया हमला। जी नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक उमर नामी ये शख्स जो हमेशा अपने पास चाकू रखता है, जिसके चलते इसका नाम भी चाकू उमर पड़ गया है, जहां मुतालिका अवाम ने कई बार इसके खिलाफ बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात मुतासरा और इनके घर वालों की ज़ुबानी। उमर ना हमारे घर पे आके लड़े, नीचे लड़ाई करके पुकारा कर रहे हैं, तो हम लोग खिड़की में से देखिए तो ना ऊपर आके चाकू ले लेके भाग लेके आए, तो हम लोग अंदर जाके दरवाजा लगाए, उतने में हमारे भैया आया था, हमारे भैया को मारने गए तो हमारे बच्चे दोनों आइए तो दोनों को भी मार दो बोल के मार दे के चले गए, और बोले के दोनों को भी कभी भी इसकी गर्दन काट देता हूँ मैं बोल के गए, और हमारे भाई की लाश डाल देता हूँ, तुम्हारे को तो नहीं छोड़ता हूँ, लाश डाल देता हूँ बोल के बोल देके चले गए, और फिर पी लेके आए हुए थे घर में घुस गए ऊपर आके। उमर यहाँ काम करते थे 10 साल पहले, आके खाली पीली तमाशा करके चाकू ले लेके आए, आके घर में घुस गए, तो हम लोग घर में जाके अंदर दरवाजा लगा लिए, उतने में हमारे बड़े भाई आए तो उनको मारने को चले गए, चले गए उनको बोले कि तुम्हारी लाश डाल देता हूँ बोल के चले गए, फिर हमारे भांजे आए तो उनको मार दिए, वो बच्चे को भी भतीजा को भी दोनों को मार दिए, अब मार के चले गए, जाते जाते बोल के जा रहे दोनों को भी गर्दन काटे तक नहीं रहता हूँ बोल के गए। उन्होंने कभी भी आता अब यहाँ पर मारने की वजह क्या, हम चुप खाली आके ठहरे छेड़ लेके मार दे के चले गए, वजह नहीं है उसकी कोई लड़ाई की लेके थे ना फुल हमेशा नहीं, कभी कभी आते जरा गए, बच्चों से घस लेके गए दो दिन पहले दावत में, बच्चों से लगा लिया, दावत में बच्चे गए तो बच्चों से लगा घस लिया, छोटा बच्चा आके बोला पर तो भरोसा नहीं है, नहीं कभी भी आ सकता है घर को, कभी भी आके कुछ भी कर सकता है, हम भाई की जान को धोखा है उसके तरफ से। हाँ करेगा बहादुरपुरा, मेरा नाम शेख मोहम्मद जुनेद है, चाकू उमर बोल के रहे थे किशन बाग में, उनका नाम चाकू है थे, तो राम लोग क्या है घोड़े बग्गे का कारोबार है, उन्होंने मिलने सर का आके हमला ऊपर घर पे आके गए थे, घर पे आके वो घर के लेडीज को छुरियां यहाँ बताए गए थे, पैसे ऐसे मंगे गए थे, उससे में कोई भी रहते घर पे, और उनके अगेंस्ट क्या रहे इलाके करके पैसे ऐसे देके भिजाए से, अरे कारोबार से कुछ वो हम लोग का घोड़ों का कारोबार, शेख अहमद हॉट सप्लायर बोल के हमारे पापा बोल के ना, चाचा को भी है, चाचा के पीछे पड़े हुए दोनों पापा, दोनों भाई के ऊपर मेरे को भी मारे, मेरे बड़े भाई को भी मारे, गर्दना छाड़ देता हूँ बोले दोनों के भी, मेरे बड़े भाई को भी मारे, गर्दना छाड़ देता हूँ बोले, वजह कुछ भी नहीं है, पी लेके आया उन्होंने बेफजली का गाली गलौज कर रहे और पूरा बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमको 2-3 जने थे ना, हम लोग आए घर में पर बहस चल रही, तो देखे हम लोग नीचे ला लिए, नीचे ला लिए तो हाथापाई हो गई, वो क्या हुआ बोले तो कुछ भी नहीं बोल रहे, खाली मारन तोड़ी पे आ गए डायरेक्ट भादरवा पीएच लिमिट में कंप्लेंट कर दी है हम लोग, लटा भी है कमर में चाकू है, और उनके पीछे गए थे बड़े बड़े पहलवानों का हाथ है, बड़े बड़े पहलवानों का हाथ भी है उनके पीछे, बात करते करते उनके बाबा भी आए तो बेटे को समझाने का छोड़ के हाथों से कहीं को मारा, पूरा जान से मार देना था बोल के बाबा भी चढ़ावा दे रहे बेटे को समझाने का छोड़ के। हम लगा बहादुरपुरा पीएस पे कंप्लेंट दिए हुए है, फिर भी हमारे को पुलिस के जरिए हमको हिफाजत होना जरूरी है, कहीं की बोले तो ना कभी भी आके कुछ भी कर सकते, उनके जरिए अब उन्हें करे उनके साथ वाले कल आके साथ वाले भी करते, उन्हें एक नहीं है उनके साथ और कई बच्चे बहुत है जो सिखा के उनको पिला के हमारे घर पे छोड़वा ले।